20 मिनट करीब यहाँ से लगेंगे मुझे। अंदर देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन है। तो ये है मेरा 1RK रूम, तो ये है मेरा किचन और इसी के अंदर में है लेट बाथ और ये मेरा कंप्यूटर सेटअप मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और ये जो है ये है अलमीरा। दूर से तो ये ऐसा लगती है कि कोई एक वॉल पेंटिंग है, लेकिन ये अलमीरा है तीन यहाँ पे इस तरह से। फाइनली मुझे यहाँ पे रहने के लिए अच्छा खासा मतलब मिल गया है, सेफ भी है और मेरे लिए बजट में भी है। तो आज मैं जा रही हूँ कालका जी मंदिर। मैं आ गई हूँ बॉटेनिकल गार्डन, यही मेट्रो स्टेशन है जहाँ से मुझे कालकाजी जाने के लिए मेट्रो मिलेगी। तो यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है वो ऐसा है, मतलब बहुत ही खूबसूरत ये मेट्रो स्टेशन है। तो यहाँ से अभी अंदर जाऊँगी और टिकट तो मुझे लेना नहीं है क्योंकि मेरे पास में मेट्रो कार्ड है, तो उससे काफ़ी ईजी रहता है, मतलब लाइन में नहीं लगना पड़ता है। 20 मिनट करीब यहाँ से लगेंगे मुझे कालकाजी मेट्रो स्टेशन पहुँचने में, फिर वहाँ से कितना दूर है मंदिर वो वहीं चल के बताऊँगी। दोस्तों मैं पहुंच गई हूं कालकाजी मेट्रो स्टेशन और यहां से जो मंदिर की डिस्टेंस है वो केवल 450 मीटर है, तो इतना तो मैं पैदल चली जाऊंगी। तो यहां से मतलब कि पैदल वाली डिस्टेंस पे ही मंदिर है, काफ़ी नज़दीक है। हालांकि नीचे जो हैं ई रिक्शा वगैरह भी हैं, अगर ई रिक्शा से जाना चाहते हैं तो उनसे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं जाऊँगी पैदल। तो ये देखिए कालकाजी मेट्रो स्टेशन ये है इस तरह का, और बॉटनिकल से यहाँ तक आने का मुझे ओनली 24 रुपीज़ लगा है। तो मंदिर के नज़दीक में यहाँ चल रहा है एक भंडारा और इस भंडारे में मिल रही है गर्मा गर्म पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। देखिए लोग इस तरह से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और भंडारे का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। और पास ही में महाकालेश्वर मंदिर भी है एक, और देखिए लोग भंडारे का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ नज़दीक में ये शॉप भी है जहाँ से माता जी के लिए प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और यहीं पर पार्किंग एरिया भी है कालकाजी मंदिर का, यहाँ पर पार्किंग भी लगा सकते हैं अपनी गाड़ी वगैरह जो भी है। तो चलते हैं यहाँ से मंदिर के अंदर। तो दोस्तों मंदिर के नज़दीक पहुँच गई हूँ। मैंने शाम के 4 बजे रूम से चलना शुरू किया था, तो अभी जो है शाम के 6:30 बज गए हैं, तो अंधेरा भी अभी हो गया है। और मेरे ही सामने यहाँ पे जो है मेन दरवाज़ा है कालिका मंदिर का। दरवाजे पे लिखा हुआ है श्री कालिका पीठ ट्रस्ट। आने वाले टाइम पर शायद कुछ फंक्शन होगा, इसलिए यहाँ पर चारों तरफ काम चल रहा है। इस तरह से लकड़ियों वाला जो है ये सब लगाया गया है। ये मंदिर है, मंदिर के अंदर अब चलते हैं। और यहाँ पे जो है शूज़ वगैरह रखने के लिए भी एक छोटा सा रैक बनाया गया है जहाँ पे निशुल्क आप शूज़ वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू। शूज़ मैंने रख दिए हैं और पास ही में यहाँ पे जो है वाटर कूलर वगैरह है, तो यहीं से हैंड वॉश कर लेती हूँ। और ये है मंदिर का व्यू, ये यहाँ पर प्रसादी वगैरह है। कितने का है? 50 का है। 100 का फ़ोन पे है आपके पास? मंदिर में जो इस तरह से प्रसाद वगैरह भी यहाँ पे मिल जाता है अंदर आने के बाद में। अंदर देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन है और सभी भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। और यहाँ पे शाम के समय शायद कोई फंक्शन है, इसलिए जहाँ पे स्पीकर वगैरह भी लगे हुए हैं, सारे भगवान की यहाँ पर मूर्ति है। और ये है कालिका माता। जो कोई माता के भक्त हैं वो रात में यहाँ पे जागरण करवाएंगे, इसलिए अच्छा खासा वहाँ पे डेकोरेशन किया गया है। और अब मंदिर के अंदर मैं आ गई हूँ। मंदिर के अंदर जो है माँ गायत्री देवी, शिव जी और हनुमान जी की यहाँ पे प्रतिमा है। और अंदर चलते हैं, यहाँ पे भी प्रसाद वगैरह के लिए हैं दुकान बनी हुई है मंदिर के अंदर भी, यहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं। और ये मेन मंदिर के अंदर अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। तो मंदिर के अंदर जो है व्यू कुछ ऐसा है। ये है माता जी का परकोटा मंदिर का, जो बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया है। लाइटिंग हो रही है यहाँ पे सुंदर सुंदर। यहाँ पे जो माता के भक्त हैं वो दिए वगैरह जला रहे हैं। और यहाँ से अंदर मंदिर जाने की लाइन है। तो ये है मंदिर की लाइन। ये यहाँ पे गर्भगृह है माता का और लोग बाग वहाँ पे भजन भाव भक्ति कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे मंदिर के अंदर जो है श्रद्धालु जो हैं वो पूजा करते हैं। यहाँ पे एक दरवाज़ा वहाँ भी है, एक वहाँ भी है अंदर जाने का। अंदर है मंदिर, सॉरी।
देखिए लोग यहाँ पे जो है किस तरह से कीर्तन कर रहे हैं माता के। मंदिर परिसर की बाउंड्री पे जो हैं और भी छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। सभी देवी देवताओं के यहाँ पे मंदिर हैं। देखिए काली माता, भैरव बाबा और इस तरह से ये छोटे छोटे चारों तरफ मंदिर हैं भगवान के। ये संतोषी माता है और ये यहाँ पे भजन हो रहा है। ये जो मंदिर है कालिका माता, यहीं महाकालेश्वर मंदिर भी है और सभी भगवान की यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई है। और अभी यहाँ पे हो रही है आरती, तो आरती का आप आनंद लीजिए। तो दोस्तों ये था कालिका माता ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ये जो मंदिर है दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित है और यहाँ आने के लिए जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है कालिका माता मंदिर, मतलब कालिका मेट्रो स्टेशन है, कालिका मंदिर मेट्रो स्टेशन। वहीं से एकदम बाहर निकलते ये मंदिर आ जाता है। पास पास में कभी कभी यहाँ पर भंडारे भी होते हैं और मंदिर के अंदर भी निःशुल्क खाने की व्यवस्था है। सुबह शाम यहाँ पर खाना मिलता है। तो बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है, एक शक्तिपीठ के रूप में ये जाना जाता है जो कि दिल्ली के नेहरू प्लेस में है। और ये ब्लॉग आपको पसंद आया है, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इसे शेयर कीजिए। और इसी ब्लॉग से अगर आपको जानकारी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपको दिल्ली के अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।